8 की ब्रिज कार्य पुस्तिका प्रखर भाग 2 का कार्य पत्रक 68 हल करेंगे, पेज नंबर 79 पर। प्रश्न नंबर 1, दिए गए खाली बॉक्स में रेखाखंड रेखा किरण को चित्र की सहायता से दर्शाइए। यहाँ हमें ये बॉक्स दिए हुए, इसमें रेखाखंड रेखा और किरण का चित्र बना के दिखाना है। तो देखिए, ये रेखाखंड है, रेखाखंड एक निश्चित दूरी होती है जिसमें जिसमें दो अंत बिंदु होते हैं। तो ये रेखाखंड का चित्र है। रेखा देखिए, रेखा में कोई अंत बिंदु नहीं होता, रेखा को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, तो ये रेखा कहलाती है। यहाँ मैंने पीक्यू एक रेखा खींची है। और किरण, किरण में एक अंत बिंदु होता है और दूसरा सिरा ऐसा होता है जिसे हम अनंत तक बढ़ा सकते हैं, तो यह कहलाएगा किरण। प्रश्न नंबर 2, मिलान कीजिए। ए का हमें बी से मिलान करना है, तो यहाँ क्या लिखा है, दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वो कोण पूरक कोण कहलाते हैं। प्रश्न नंबर इसी का दूसरा, 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच बनने वाले कोण, तो ये अधिक कोण कहलाते हैं, 90 डिग्री से 180 के बीच बनने वाले कोण। आगे देखिए प्रश्न 3, दो कोणों का योग 180 डिग्री हो। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वह संपूरक कोण कहलाते हैं। दो रेखाओं के प्रतिच्छेद करने पर बने कोण, अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करी और उनसे बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाएंगे। 5, एक घूर्णन का कोण, अगर एक पूरी घूर्णन एक सुई यहाँ से घूमना स्टार्ट करती है और वापस घूमकर यहीं आ जाती है तो इससे बनने वाला कोण होगा 360 डिग्री। 360 डिग्री पर एक घूर्णन पूरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए चित्रों में एक्स वाई जेड डब्ल्यू का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये चित्र दिए हुए हैं, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू दे रखे हैं, इन सभी के मान हमें ज्ञात करने हैं। तो देखते हैं, पहला प्रश्न इसमें है दो प्रतिच्छेद रेखाएं और उनमें प्रतिच्छेद रेखाओं के आमने सामने बनने वाले कोण शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, तो ये एक शीर्षाभिमुख कोण है, ये 30 डिग्री है, तो एक्स भी 30 डिग्री होगा। दूसरा देखिए, यहाँ 65 डिग्री दे रखा है, ये सरल रेखा है, सरल रेखा पर बनने वाला कोण होता है 180 डिग्री, ये 65 डिग्री है, तो वाई आ जाएगा 180 माइनस 65 बराबर 115 डिग्री। ये देखिए, एक पूरा घूर्णन है वाला कोण होता है 360 डिग्री, तो घूर्णन में से ये 300 वाला कोण दे रखा है और ये जेड वाला हमसे पूछा गया, तो इसे एक घूर्णन वाले कोण को निकालने के लिए 360 में से हम 300 को घटा देंगे तो जेड का मान हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री। यहाँ देखिए, ये 90 डिग्री का कोण बना हुआ है समकोण, और यहाँ एक कोण हमें दे रखा है 30 डिग्री, तो W हमें निकालना है, तो 90 माइनस 30 डिग्री करेंगे तो W का मान कितना जाएगा 60 डिग्री। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित कोणों के युग्मों में से पूरक एवं संपूरक युग्मों की अलग अलग पहचान कीजिए। यहाँ पर हमें पूरक कोण और संपूरक कोणों की पहचान कर दी है, तो पूरक कोण वे कोण कहलाते हैं जिनमें दो कोणों का योग, दो आसन कोणों का योग 90 डिग्री होता है, वे पूरक कोण कहलाते हैं, और जिस में दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है वह संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पहले में 45 प्लस 45 90 डिग्री, तो ये कोण पूरक कोण है। अगला 135 प्लस 45, तो ये संपूरक कोण है, इन दोनों का योग हो रहा है 180 डिग्री। तीसरा 33 डिग्री प्लस 57 डिग्री, ये पूरक कोण है, इन दोनों 33 प्लस 57 का योग है 90 डिग्री। 115 प्लस 65, तो 115 प्लस 65 को हम जोड़ेंगे तो आएगा संपूरक कोण। 62 डिग्री प्लस 28 डिग्री, तो पूरक कोण। 111 डिग्री और 69 डिग्री, तो संपूरक कोण, इन दोनों का योग भी है 180 डिग्री। प्रश्न नंबर 5, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यदि दो आसन कोण संपूरक हैं तो वे 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। संपूरक कोण हमने यहाँ भी देखे थे, 180 डिग्री का कोण बनाते हैं दोनों कोण मिलके। प्रश्न नंबर 6, यदि दो कोण पूरक हैं तो उनके कोणों का योग 90 डिग्री होगा। जिनके कोणों का योग 90 डिग्री है तो वो कौन से कोण कहलाएंगे, पूरक कोण। 0 से 90 डिग्री के मध्य बनने वाले कोण न्यून कोण कहलाते हैं। 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक बनने वाले सभी कोण पूरक न्यून कोण कहलाते हैं। यदि कोणों का योग 180 डिग्री है तो वे सरल कोण कहलाते हैं, इसे ऋज्जु कोण भी कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने कार्यपत्र 68 पूरा किया।